हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द प्रोग्रामिंग हब में। लास्ट क्लास में मैंने आपको यहाँ पर छोड़ दिया था, जिसमें मैंने बताया था आपको कि तीन प्रकार के अकाउंट होते हैं। एक अकाउंट को हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं, दूसरे को रियल कहते हैं और तीसरे को नॉमिनल कहते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैंने बताया था आपको कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। जब किसी व्यक्ति विशेष के खाते को हम लोग देखें या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का खाता या किसी कंपनी का खाता हो, और ऐसे खातों को हम लोग पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई बैंक अकाउंट लाइक SBI का अकाउंट, ये अगर हमने लिया तो ये पर्सनल माना जाएगा। इसके अलावा अगर हमने कोई और खाता लिया, जैसे इंसान का किसी का खाता लिया मोहन अकाउंट, तो ये भी पर्सनल माना जाएगा। तो ये सभी पर्सनल अकाउंट्स होंगे। दूसरा, रियल के बारे में बताया था कि कोई भी एसेट या लाइबिलिटी आपकी रियल अकाउंट मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कार है, ये कार किसमें बिजनेस के लिए है, तो ये आपकी लाइबिलिटी सॉरी एसेट है। अगर आपने अपने बिजनेस में कुछ फर्नीचर डाल रखे हैं तो फर्नीचर्स भी आपके बिजनेस की एसेट्स हैं। उसके अलावा आपने कुछ मशीनरीज ले रखी है तो मशीनरीज आपकी एसेट है। इसके अलावा अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो वो आपकी लाइबिलिटी होती है। तो इस बातें में हमारी चर्चा हो चुकी थी लास्ट क्लास में। उसके अलावा मैंने बताया था आपको नॉमिनल अकाउंट के बारे में। नॉमिनल अकाउंट में हम केवल इनकम एक्सपेंसेस को देखते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस को देखते हैं। ठीक है, इनकम एक्सपेंसेस को देखते हैं या प्रॉफिट लॉस को देखते हैं, जैसे सैलरी पेड होना या रिसीव होना, सैलरी पेड या रिसीव होना। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी नॉमिनल अकाउंट। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको यहाँ तक छोड़ दिया था, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है और मुझे आगे किस टॉपिक पे वीडियो लानी है, ये भी आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ गोल्डन रूल्स मिलते हैं जो कि तीनों अकाउंट के लिए है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के लिए हुए गोल्डन रूल्स जिन्हें हमें हमेशा याद रखना होता है अकाउंटिंग के दौरान। अब ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, आसानी से हम इसे याद कर सकते हैं। मैंने और कोशिश की है कि इसको और ज्यादा आसानी से आपको याद करवाया जाए। तो जैसे हमें पता है कि हमारे पास तीन अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो इन तीनों अकाउंट के लिए अकाउंटिंग में एक रूल दिया गया है, एक रूल एस्टेब्लिश किया गया है, जिसका यूज करके आप इनके बीच में जो है ट्रांजेक्शन को बना सकते हैं। क्या है वे रूल, आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पर्सनल अकाउंट के क्या रूल्स होते हैं, तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर दो टर्म आ रहे हैं, एक टर्म आ रहा है रिसीवर और दूसरा टर्म आ रहा है गिवर। आपको ये बात भी समझनी होगी कि पर्सनल अकाउंट में दो व्यक्तियों को हम ले सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति ए है और ये बी है। तो अगर ए और बी के बीच में लेन देन हो रहा है तो इसमें से डेफिनेटली एक जो होगा वो रिसीवर होगा और दूसरा जो होगा वो गिवर हो गया। मैं मान के चल रहा हूं कि ए ने पैसे दिए बी को, ठीक है, ए ने पैसे दिए बी को, तो इस सिचुएशन में जो बी है वो रिसीवर कहलाएगा और ये जो ए है वो गिवर कहलाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो अगर ए ने बी को पैसे दिए हैं, ए ने बी को पैसे दिए हैं, तो ए के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे जबकि बी के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो ये इसका रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आप इसको याद भी कर सकते हैं और आप इसको समझ भी सकते हैं। ओके, इस पर आधारित एक प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। इस पर आधारित एक प्रश्न है, पेड अ चेक ऑफ ₹10,000 टू विजय प्राइवेट लिमिटेड। अब यहां पर आप देखो तो एक है हमारे पास विजय प्राइवेट लिमिटेड का खाता, ये बनेगा, हमें प्रभावित होने वाले खातों को पहचानना होता है। और दूसरा, चूंकि चेक है और चेक कहीं ना कहीं बैंक से संबंधित होता है, तो दूसरा खाता हम लोग बनाएंगे बैंक के अकाउंट का। अगर हम आइडेंटिफाई करें तो पता चलेगा कि विजय को पर्सनल अकाउंट माना जाता है और बैंक को भी पर्सनल माना जाता है। अब चूंकि रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो अब हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इसमें रिसीवर कौन है और गिवर कौन है। तो अगर देखा जाए तो चूंकि हमने चेक पेड किया है विजय को, तो इस सिचुएशन में विजय जो है वो रिसीवर कहलाएगा क्योंकि ये पैसे प्राप्त कर रहा है और वो पैसे
बैंक के माध्यम से जा रहे हैं, सो बैंक हमारा यहाँ पर गिवर कहलाएगा। तो अब रूल पे अगर देखा जाए तो हमें पता चला कि इसको डेबिट करना पड़ेगा इसके खाते को और इसके खाते को क्रेडिट करना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन में हम इस चीज को कैसे लिखते हैं मैं आगे इसको बताऊंगा, लेकिन यहां पर इतना समझिए, अगर इसको मुझे बनाना होगा ट्रांजेक्शन में तो मैं कैसे बनाऊंगा इसे या आप कैसे बनाएंगे इसको, बनाना होगा विजय अकाउंट डेबिट ऑफ रुपीज 10,000 और यहां लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। एक नरेशन लिखी जाती है, नरेशन का मतलब होता है कि आप यहां पर दर्शाना चाहते हैं कि ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ। तो बीइंग में क्या होगा, पेड अ चेक, पेड अ चेक टू विजय, तो आपने ऐसे लिख दिया कि विजय को एक चेक दिया गया, ठीक है, गिव होगा या पेड होगा, एक चेक से भुगतान किया गया, तो ये चीज हो गया। माफ करिएगा, यहाँ पर पेड की जगह अगर गिव लिखा होता तो ज्यादा बेटर लगता, गिव अ चेक ऑफ रुपीज 10,000 टू विजय। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई, और मुझे यहाँ पर जो बताना था वो था आपका पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है। तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल आप फिर से याद कर जाएंगे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, उस पे आधारित मैंने यहाँ पे आपको प्रश्न बताया, प्रश्न को कैसे डील करना है वो बताया, और प्रश्न की फॉर्मेटिंग क्या होगी बनाने समय वो मैंने यहाँ पे आपको बताई, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। अब अगर देखा जाए एक और पर्सनल अकाउंट का ही एग्जांपल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये तो मतलब इसका गोल्डन रूल है। तो जब ये हम मान लेते हैं ये विजय है और हमने एक चेक इसको दिया, तो जब हमने एक चेक दिया तो हमारा जो बैंक होगा, जिस भी बैंक का हम चेक देंगे वो बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा और विजय जो है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि रिसीवर ये है, विजय जो है वो क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं विजय क्या है, रिसीवर है, और गीवर कौन है, तो गीवर है हमारा बैंक, ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई, अगर नहीं आई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। ओके, दूसरा जो है वो हमारा है रियल अकाउंट। व्हाट इज रियल अकाउंट, मैंने बताया था कि हमारे बिजनेस में लगी कोई भी एसेट्स, कोई भी एसेट्स या लाइबिलिटीज, या लाइबिलिटीज, ये सभी के सभी जो होते हैं वो रियल अकाउंट कहे जाते हैं। रियल अकाउंट में जो रूल है वो कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, हमें क्या डेबिट करना होगा, जो आ रहा है, कम्स इन, जो भी वस्तुएं हमारे बिजनेस में आ रही है, चूंकि एसेट है तो जो भी एसेट्स हमारे बिजनेस में आ रही हैं उनको डेबिट कर लेंगे, और जो एसेट्स हमारे बिजनेस से जा रही हैं, गोज आउट, इनको हम क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। तो रूल क्या बनेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो रूल है हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसको यहीं पर आप लोग याद करते चलेंगे। अब एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, क्वेश्चन है कि बॉट ए कार ऑफ रुपीज 10 लाख, 10 लाख में एक कार को खरीदा गया, तो हम क्या बनाएंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे कार का अकाउंट और दूसरा लिखेंगे कैश का अकाउंट। यहाँ पे कैश का जिक्र नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि जो कार है वो कैश के माध्यम से खरीदी गई है। तो अगर बात करें कार की, तो कार हमारा रियल अकाउंट होता है, कैश भी हमारा रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट में कहता है कि या तो कम्स इन होगा या तो गोज आउट होगा, तो चूंकि कार को खरीदा जा रहा है इसलिए कार कम्स इन में आएगा, कार कम्स इन हो रही है और कैश हमारा जा रहा है गोज आउट, पैसा पे करके ही ला रहे होंगे। तो अब देखिए, चूंकि ये कार कम्स इन हो रही है इसलिए रूल के अकॉर्डिंग डेबिट होगा और ये क्या होगा, हमारा क्रेडिट होगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इसका ट्रांजेक्शन, कार अकाउंट डेबिट ऑफ रुपीज जो भी है 10 लाख टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे फिर से वही है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हम देख सकते हैं कि कार यहाँ पर आ रही है और कैश बदले में जा रहा है, तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं कि ये कैश है और ये कार है। तो अगर ये ट्रांजेक्शन उल्टा भी हो जाए, कार अगर सोल्ड किया जाए तो भी यही ट्रांजेक्शन बनेगा और रूल यही लगेगा कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसको डेबिट करना चाहिए और जो हमारे बिजनेस से जाए उसको क्रेडिट करना चाहिए। तो वैसे खाते जिनमें पैसे आ रहे हैं वो डेबिट होंगे और जहां से जा रहे हैं वो क्रेडिट होंगे। तो अभी रूल याद रखिए, पर्सनल का रूल हमने क्या देखा, हमने देखा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
रियल का क्या देखा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बात करेंगे नॉमिनल की। तो नॉमिनल में चूंकि आपको पता है कि एक्सपेंस और लॉस से रिलेटेड होता है, एक्सपेंस या लॉस होना चाहिए या फिर इनकम होनी चाहिए या आपका प्रॉफिट होना चाहिए, यही होता है, तो प्रॉफिट होनी चाहिए। तो ये सारे खाते जो है नॉमिनल कहलाते हैं। लिखा है डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस, जो भी आपने खर्च किए। एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, आपके द्वारा किया गया खर्च। एक्सपेंस लॉस मतलब हानि, आपको कोई खर्च किया आपने, आपको कोई हानि हो गई तो आपको उस चीज को डेबिट करना है। क्रेडिट इनकम गेन, जो आपकी आमदनी हुई और गेन मतलब प्राप्ति, प्राप्ति यानी कि आपको जो भी पैसे मिले, ठीक है, यानी कि आपको जो भी प्रॉफिट हुआ तो इसको क्रेडिट करना है। ये देखने में थोड़ा सा उल्टा लग सकता है लेकिन याद कर लीजिए, डेबिट एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट इनकम गेन। तो यहां पर कमीशन पेड बट बाय मिस्टेक रिटेन इन द सैलरी रिसीव अकाउंट, मैंने एक एग्जांपल लिया है कि आपने कमीशन पेड किया लेकिन वो गलती से कहां लिखा गया है, सैलरी रिसीव अकाउंट। तो दो अकाउंट बनेगा, एक बनेगा कमीशन पेड का और दूसरा बनेगा सैलरी रिसीव का, ठीक है। अब कमीशन पेड और सैलरी रिसीव दोनों के दोनों नॉमिनल है, ये आपको पता है, और नॉमिनल के अकॉर्डिंग जो इनकम हो और जो एक्सपेंस हो उसको देखना है। तो पहले ये बताइए, कमीशन पेड एक्सपेंस है, ठीक है, और सैलरी रिसीव इनकम है, ये भी ठीक है। एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है और इनकम को क्रेडिट किया जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर किसी को कोई लॉस हो गया, कोई आपने एक्सपेंस किया, तो उस चीज को हमें डेबिट करना होगा। अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ तो आपको उस चीज को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा, ठीक है। चलो अब यहां पर आपको गोल्डन रूल्स को कुछ यूं समझना है कि पर्सनल अकाउंट का अगर गोल्डन रूल है तो यहां लिखा है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो आप बात को समझिए कि डेबिट साइड इसका क्या कहता है, डेबिट साइड में ये लिखाएंगे और क्रेडिट साइड, हर रूल में आपने देखा कि दो साइड थे, एंड के पहले और एंड के बाद। एंड के पहले वाले साइड को हम डेबिट मान के चलेंगे, एंड के बाद वाले को क्रेडिट। तो पर्सनल में होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, और रियल में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल में होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल द इनकम गेन। तो ये कंप्लीटली आपके तीन अकाउंट और उनके गोल्डन रूल हो गए। ओके, तो अगर हम इसे कुछ अलग अलग तरीके से लिखना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपसे एक तरफ पर्सनल दे दिया, मैं शॉर्ट में पी लिख रहा हूं, और एक तरफ आपको टू लगा के दे दिया गया नॉमिनल, तो पर्सनल टू नॉमिनल, ठीक है। अब चूंकि टू के पहले डेबिट साइड होता है, टू के बाद क्रेडिट साइड होता है, तो आपको इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि इसका रूल कैसे बनाएंगे आप। तो पर्सनल का डेबिट साइड उठाएंगे, जो कि आपको पीछे यहाँ पे दिख रहा है, पर्सनल का आपको क्या उठाना है, डेबिट साइड उठाना है, ठीक है। तो पर्सनल का डेबिट साइड आप देखो क्या लिखा है, डेबिट द रिसीवर, तो आपको लिख देना है डेबिट द रिसीवर, ठीक है, एंड जोड़ना है बीच में। और फिर अगर आप देखो तो यहाँ पर चूंकि लिखा है नॉमिनल और नॉमिनल का क्रेडिट साइड उठाना है, तो नॉमिनल और नॉमिनल का ये रहा हमारा क्रेडिट साइड, तो इसमें आपको लिखना है क्रेडिट ऑल द इनकम गेन, तो एंड के बाद आपको लिखना है क्रेडिट ऑल द इनकम गेन। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि अगर आपसे ऐसे डायरेक्टली कोई रूल बनाने को कह दिया जाए तो आप बना सकते हैं। जैसे आपसे कहा गया रियल टू पर्सनल का रूल बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रियल का डेबिट साइड, क्योंकि इस साइड डेबिट होता है और इस साइड क्रेडिट होता है। तो यहां पर हम रियल के डेबिट में गए तो लिखा है डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, तो हमने भी लिख दिया डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड और क्या लिखेंगे, पर्सनल का क्रेडिट साइड, क्योंकि पर्सनल है तो पर्सनल का क्रेडिट साइड क्रेडिट द गिवर, तो यहां पर हम लिख देंगे क्रेडिट द गिवर। इन पर आधारित प्रश्न मैं आपसे अगले वीडियो में कराऊंगा। अभी आप मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और
अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। और ये टैली की जो बैच है वो मैं हमेशा मतलब कंटिन्यू लाने वाला हूँ, कंटिन्यू। एक दो दिन इधर उधर हो सकता है लेकिन वीडियोस अब कंटिन्यू रहेंगी और पूरा टैली इसमें हम सीखेंगे, इसमें हम लोग पूरे टैली को कवर करने वाले हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको कवर करेंगे, आप लोग प्रॉपर एक नोट्स भी बनाते चलेंगे। जो लोग भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज प्रॉपर एक नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब मिलेंगे जल्दी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।